क्या आप अमीर बनना चाहते हो? तो समझो आप बिल्कुल सही जगह पर हो और आपकी तलाश खत्म। बोलो क्या चाहते हो आप जिंदगी में? बड़ा घर, बंगला, गाड़ी, BMW, ऑडी, देश विदेश घूमना। आज से आपका दौर चालू हो गया। आज के बाद आप किसी भी चीज से दूर नहीं रहोगे। आपका नसीब अब रॉकेट की जैसे उड़ेगा, क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हो। तो इसके लिए करना क्या होगा? 3,000 रुपए खर्च करके आप अपने नसीब की चाबी खरीद लो। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा है प्रोडक्ट, मुझे मालूम है आपको बहुत उत्सुकता है जानने के लिए। तो बिल्कुल भी वक्त जाया किए बिना मैं आपको वो चीज दिखाने वाली हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आया? ऐसे है ना, ये क्या बोलते हैं इसे, MLM, चैन मार्केटिंग, ये सब कुछ, ये कहाँ से अवतरित होते हैं ये लोग और कहाँ से ये कंपनी पैदा होती है, ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक। साल दो साल इधर उधर गए नहीं तो ऐसे नए 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 ट्रिक लेके, कुछ कुछ लेके ये लोग मार्केट में आ जाते हैं। और पागल बनने के लिए तो बहुत सारे लोग पड़े। वो पागल नहीं रहते एक्चुअली, वो क्या है, परेशान रहते। उन्होंने भी जिंदगी से बहुत सारे धक्के खाए होते, यंगस्टर होते, उनमें कुछ करने कर दिखाने का जज्बा होता है। तो कोई कोई को तो घर वालों ने इतना परेशान कर दिया होता है, कुछ करो कुछ करो, जिंदगी से परिस्थिति से हालत बेकार हुई होती है, तो जॉब के लिए सर्च करते, ये करते वो करते, और उन ऐसे लोगों के ही सर्च में ये लोग रहते हैं। और एक बार फंस गए ना इस चक्कर में तो फंस ही जाते हो। तो इसीलिए ऐसा कभी नहीं होता है कोई बताएगा आपको अमीर कैसा होता है, ये होता है वो होता है। वो अपने स्टोरी शेयर कर सकता है, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, लेकिन जो कुछ भी करना है वो आप खुद को करना होता है। हर किसी का रास्ता अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि वो उस रास्ते से इस मंजिल से चला तो हम लोग भी उधर जाएंगे तो हम लोगों को भी सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। हर सक्सेस स्टोरी अलग होती है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो ये स्टोरीज सुनते क्यों है हम लोग? तो स्टोरीज इसलिए सुनते हैं तो उन लोगों ने जो गलती की होती है तो वो गलती हमसे ना हो, वो सुधारने के लिए पड़े। कि क्योंकि हर कोई चीज एक्सपीरियंस करके नहीं हो सकती है। उन लोगों ने एक्सपीरियंस की, उन्होंने गलतियां की, सुधारी, और हम लोगों के आगे वो एक उदाहरण दे दिया है। इनका जो एक बात बताओ, क्या इनका जो प्रोग्राम वोग्राम और ट्रेनिंग वेनिंग शुरू होती है ना, ऐसा रात में चालू होती है। जब भूत पिशाच जब रात में बाहर निकलते हैं ना, वैसे ये लोग बाहर निकलते हैं ऐसा लाइट में, इधर उधर कहा से भाड़े पे हॉल वॉल लेते हैं, उधर लोगों को बिठाते हैं, चार पांच लोग ऊपर आके क्या बोलते हैं उसको, सूट बूट टाई वाई बूट, वो भी उनका होता है यानी क्या मालूम, भाड़े से लेके आते हैं और उधर बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करती है कभी। और क्या करूं, लोग इतने जिंदगी से हारे होते हैं ना, ये इन्होंने कॉलेज का क्या स्कूल का भी मुंह कभी अच्छे से देखा है या नहीं देखा है? उनको सुनने के लिए अच्छे अच्छे डिग्री लिए हुए लोग आते और सुनते बैठते। ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ होता है परेशानी की वजह से, उनकी नीड्स की वजह से। हर किसी का सपना होता है मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, देश विदेश घूमू, यानी ऐसे लैविश लाइफस्टाइल जीऊं, और वो यही पॉइंट पकड़ते। और एक बार इनके झांसे में फंस गए ना तो फंस गए, तो क्या कुछ नहीं गंवाना पड़ता है। जो पैसे को तो छोड़ दो, पैसे आज नहीं तो कल कमा के लोगों का वापस कर देंगे, लेकिन बहुत बड़ी चीज हम लोग दांव पे लगाते हैं इन लोगों के चक्कर में फंस के। तो आप पूछोगे ऐसी क्या चीज है? कोई कोई लोगों को तो आज तक समझ में नहीं आया कि क्या गवाया है हम लोगों ने इन लोगों के चक्कर में। तो इन लोगों के चक्कर में हम हमारे सोसाइटी में हमारा गुडविल गवाते हैं, हमारा क्रेडिट गवाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक के ऊपर मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ? ये सिर्फ आजकल डिजिटल का जमाना है, डिजिटल में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है
शेयर मार्केटिंग करो, ऐसा करो, इतने लोग जोड़ो, ये करो, वो करो, वो उन लोगों को कमीशन मिलता है नहीं मिलता है किसने देख जाके देखा है, लेकिन इतना सब कुछ रहता है ऐसे पॉलिश्ड सब कुछ। आज सुबह सुबह ही मैंने फेसबुक पर ऐसा ही देखा कुछ कि, और वो जब हम लोग कितना भी हम लोग पढ़े लिखे हो, कितना भी हमारी बुद्धि स्थिर हो, कितना भी हम अंदर से जानते हैं झूठा है, लेकिन वो पढ़ने के बाद है ना क्या जादू होता है वो उन चीजों में। एक मिनट क्या, एक दिन तो हम लोग उसमें जाता ही है, सोचते है क्या होगा क्या नहीं, फोन तो एक बार घुमाते ही है और उस चक्कर में ना अटक ही जाते है। तो सावधान, ऐसी चीजों से सावधान रहो, अपना छोटा मोटा बिजनेस करो, खुद का प्रोडक्ट खुद बेचो। अगर दूसरों का बेचना ही चाहते हो तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करो और बेचो, ये ज्यादा इन लोगों से पहले 3-4 हजार का प्रोडक्ट खरीदो, आगे जाके लोगों को बेचो। और प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं वो कोई खरीदना भी नहीं चाहता और उसकी किसी को जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन वो भी चिपकाना पड़ता है। अमीर बनने की एक ही चाबी रहती है, मेहनत करो, काम करो और अपना काम कंसिस्टेंटली करते रहो। अपने स्टार चमकने होते हैं तो वो चमकते ही है किधर ना किधर। तो चलो, आई विश हम सब आमिर बने, और लेकिन आमिर बनने के लिए इन सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे।